गाइस तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और गाइस आज का इस वीडियो में आपका भी बताने वाला गाइस तीन ऐसे जबरदस्त एप्लीकेशन जो कि गाइस एक छोटे यूट्यूबर के लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी मस्त एप्लीकेशन होने वाला है। क्योंकि भाई आप उस तीनों एप्लीकेशन में गाइस एक जो आपका फर्स्ट एप्लीकेशन रहेगा आप लोग कैमरा के बारे में बताऊंगा कि गाइस आप अपने फोन में कौन सा कैमरा यूज कर सकते हो जो कि गाइस आपका जो वीडियो हो ना काफी मस्त बने। और गाइस जो दो एप्लीकेशन आप सभी को बताऊंगा ना वो गाइस आपका जो एडिटिंग के लिए रहेगा जहाँ पर आप अच्छी तरीके से प्रोफेशनल वीडियो को एडिट कर सकते हो। तो गाइस कौन-कौन से एप्लीकेशन है गाइस चलिए आज का इस वीडियो में आप सभी को बताते हैं एडिटिंग गाइस आप अपने फोन से कर सकते हो। तो चलिए गाइस आप सभी को बताते हैं कि ये तीन एप्लीकेशन कौन-कौन से हैं। तो गाइस उसके लिए गाइस आप सभी से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जो गाइस आज का जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ना गाइस आप लोग बिना स्किप किए गाइस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो चलिए गाइस वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई मेरा YouTube फैमिली 2K होने वाले हैं तो प्लीज भाई अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और गाइस साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पे कर दीजिए और गाइस आप अपने भाई का 2K YouTube फैमिली कर दीजिए। और गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस आप सभी को बताते हैं कि वो तीन एप्लीकेशन कौन कौन से है। तो उसके लिए गाइस आप लोग को हमारे मोबाइल स्क्रीन पे चलना होगा। तो चलिए हमारे मोबाइल स्क्रीन जो हम लोग का सबसे फर्स्ट ऐप आता है गाइज वो है गाइज ओपन कैमरा। जहाँ फिर गाइज इस कैमरे के मदद से गाइज आप अपने वीडियो को फुल HD में गाइज रिकॉर्ड कर सकते हो इजीली। क्योंकि भाई ये कैमरा मेरे को काफ़ी पसंद आता है क्योंकि भाई मैं इसी कैमरे से अपने वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ। इस कैमरे में गाइज बहुत अच्छी अच्छी फीचर दिया गया है जो कि गाइज हमारे फ़ोन के कैमरा में ये फीचर नहीं दिया होता। हमारे फ़ोन के कैमरा से जब भी गाइज हम लोग वीडियो को शूट करते हैं ना तो गाइज जो हमारा फेस पर गाइज कभी कभी लाइट कम बेसी होता रहता है वैसे में गाइज हमारा वीडियो का क्वालिटी ख़राब हो जाता है। बट गाइज इस कैमरा में वैसा नहीं है। इस कैमरे में गाइज बहुत अच्छी अच्छी फीचर दिया गया है जैसे गाइज जब भी आप अपने वीडियो को रिकॉर्ड करते हो ना तो गाइज जब भी आप अपने चेहरे पर लाइट को बढ़ाते हो ना जहाँ पर यहाँ से गाइज आप अपने वीडियो को चेहरा पर गाइज लाइट बढ़ा सकते हो। और गाइज जब भी आप अपने वीडियो को रिकॉर्ड करते समय गाइज जो आप लोग को नीचे में यहाँ लॉक का ऑप्शन दिख रहा होगा ना एक्सपोजर लॉक सिंपली आपको इसको लॉक कर देना है। इसको जब लॉक कर दीजिएगा ना तो गाइज जो आपका फेस पर लाइट पड़ता है ना वो केवल आपका फेस पर ही लाइट पड़ेगा। आप जिधर तिधर होते रहिएगा आपको इस मतलब कि आपका जो वीडियो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जैसे कि मेरा फ़ोन का कैमरा में होता है वैसा इसमें सिस्टम नहीं है। इसको लॉक करने के बाद गाइज आप इजीली बहुत आसानी तरीके से गाइज आप अपने वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो विदाउट लाइट के। जहाँ पर आपका लाइट कम बेसी नहीं होगा जितना लाइट आप रखिएगा उतना ही लाइट काम करे। इसमें गाइज कुछ सेटिंग भी है तो सेटिंग के लिए गाइज मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके लिए गाइज आप लोग को चिंता करने की बात नहीं है तब तक के लिए गाइज आप इस कैमरे को यूज कर सकते हो। और गाइज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप लोग पहले से कौन सा कैमरा यूज करते थे। तो अब आता है गाइज जो हमारा वीडियो को फिल्टर करने के लिए। जी हाँ फ्रेंड तो वीडियो फिल्टर करने के लिए गाइज आप लोग को कौन सा ऐप इस्तेमाल करना है तो वो है गाइज इनशॉट। जी हाँ फ्रेंड गाइज आप इनशॉट ऐप में गाइज बहुत इजीली तरीके से गाइज आप अपने वीडियो को यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड जैसे गाइज यहाँ पे बहुत फिल्टर के लिए बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे सामान दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड फ्यूचर दिया गया है जो कि गाइज बहुत यहाँ से फिल्टर के लिए बहुत मस्त आता है। जी हाँ फ्रेंड क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फिल्टर के लिए दिया गया है जो कि गाइज आपका वीडियो को प्रोफेशनल तरीके से एडिट कर सकता है। आपको इस ऐप में गाइज आपको बहुत अच्छी अच्छी फीचर मिल जाएंगे जो कि आप अपने वीडियो को फिल्टर कर सकते हो। तो यह ऐप काफ़ी मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि भाई मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। और गाइज यह जो जो ऐप मैं बता रहा हूँ ना वो गाइज मैं इस्तेमाल करता हूँ तभी गाइज आप सभी को बता रहा हूँ। अब गाइज हम लोग का जो थर्ड एप्लीकेशन आता है गाइज वो है गाइज हमारा वीडियो को एडिटिंग के लिए। तो मैं गाइज वीडियो एडिटिंग करने के लिए दो ऐप इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहला गाइज काइंड मास्टर और गाइज दूसरा आता है बीटा ऐप जो कि गाइज मैं बीटा ऐप से ज़्यादा अपना वीडियो को एडिट करता हूँ क्योंकि भाई बीटा ऐप में गाइज मेरे को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। क्योंकि भाई बीटा ऐप में गाइज बहुत अच्छी अच्छी यहाँ से फीचर देखने को मिल जाता है और गाइज आप बीटा ऐप से गाइज बहुत इजीली गाइज आप अपने वीडियो को एडिट कर पाते हो। जहाँ पर यहाँ से गाइज आप डायरेक्ट ऑनलाइन सॉन्ग लगा सकते हो और गाइज यहाँ से गाइज आप अपने वीडियो में गाइज बहुत अच्छी अच्छी फिल्टर देखने को मिल जाता है जो कि गाइज मेरे को काफ़ी पसंद आता है। और यहाँ से आप अपने वीडियो को
को इजीली तरीके से गाइज बहुत आसानी तरीके से गाइज आप अपने वीडियो को एडिट कर पाएंगे। जहाँ पे बहुत बेहतरीन ऐप है गाइज जो वीटा ऐप है, तो सिंपली मैं इसी ऐप से गाइज अपने वीडियो को एडिट करता हूँ। और सिंपली गाइज जब भी गैलरी में सेव करने का बारी आता तो ऊपर में गाइज ऑप्शन दिया गया है एक्सपोजर, तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर गाइज देख सकते हो कि 1080 में, जहाँ पर मैं अपना वीडियो को 1080 में ही यहाँ पर क्या करता हूँ कि अपने गैलरी में सेव करता हूँ और वीडियो अपलोड करता हूँ। और यहाँ से जब एक्सपोजर पे क्लिक कीजिएगा तो आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। और गाइज ये दोनों ऐप काफ़ी मस्त ऐप है गाइज, काइंड मास्टर और वीटा ऐप मेरे को काफ़ी पसंद आता है एडिटिंग के लिए, मैं दोनों से एडिट कर। गाइज आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कौन से ऐप इस्तेमाल करते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए। तो आई होप आप लोग को ये तीनों ऐप आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। यह तीनों ऐप का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या गाइज आप लोग इजीली तरीके से आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते। अगर वीडियो भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड गाइज चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन पे कर दीजिएगा, क्योंकि भाई हमारा जो वीडियो का नोटिफिकेशन गाइज सबसे पहले आप तक मिलती रहे। तो आई होप आप लोग को नीचे में एक वीडियो दिख रहा होगा, उस पर टच कीजिए और मज़े उठाइए। फिर मिलते कोई अगले इंटरेस्टिंग वीडियो।